महाराज आपके बच्चे का इतना नाम होगा जो गिन पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है महाराज। भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ परीक्षित जी। गर्ग जी महाराज चले गए, बहुत सा दान दक्षिणा देकर के नंद जी ने उनको भेजा। भगवान की अवस्थाएं बढ़ गई। महारानी यशोदा मेरे गोविंद का नित्य नया श्रृंगार करती है। ठाकुर जी छोटे हैं, यशोदा रानी अपने लाला को बार बार देखती है। और एक दिन तो बड़ा विलक्षण कार्य हुआ महाराज। महारानी यशोदा जी ने गोविंद का बड़ा मनमोहक श्रृंगार किया। इतने ढंग से श्रृंगार किया कि यशोदा रानी आज जब भगवान को देखती है, अपने बेटे को मानती तो बेटा है यशोदा जी ना, तो उनको लगता है कि जैसे भगवान खड़े हैं। जैसे महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये लड़के दोनों कौन हैं? महाराज जी ये जो आपके साथ दो बच्चे हैं कौन हैं? ये मुनि कुल तिलक कहु नाथ सुंदर दुई बालक। मुनि कुल तिलक महाराज, ये देखने में तो आपके साथ जो दोनों हैं ये बालक लगते हैं, लेकिन मेरी आंखों में ये पालक क्यों दिखाई पड़ रहे महाराज? पालक मानी संसार को पालने वाले। ये आपके साथ है जब मैं देखता हूं तब ये बालक है, लेकिन क्या मेरी दृष्टि खराब हो गई? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मल त्याग। महाराज मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं और ब्रह्म का चिंतन करने का मेरा मन नहीं करता है। आज यशोदा रानी ने मेरे गोविंद का श्रृंगार फूलों में किया है। और यशोदा रानी जब गोविंद को देखती है तो कैसा लगता है कि जैसे भगवान बैठे हैं। आइए थोड़ा सा कवियों के भाव का आनंद लेते हैं। फूलों में सज रहे हैं वृंदा विपिन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं we
तो आप महकता गुलाब क्या बात है। स्त्री यशोदा रानी को भगवान विभिन्न प्रकार से आनंदित कर रहे हैं। एक बात ध्यान देना,
दुनिया का कोई बहुत बड़ा आदमी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई बहुत धनवान हो, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन जब छोटे बच्चे से लाड प्यार करने लगता है वो व्यक्ति, तो वो ये भूल जाता है कि मैं खुद कौन हूं। यशोदा रानी कितनी भाग्यशाली है परीक्षित, साक्षात ब्रह्म जिनका बेटा बनकर के जिनको आनंदित कर रहा हो। भगवान की अवस्थाएं बड़ी हो गई। एक दिन यमुना जी के किनारे ठाकुर जी बैठे हैं, उनके मित्र हैं श्री दामा, मधुमंगल इत्यादि। भगवान ने श्री दामा से कहा, भैया तुम बड़े कमजोर लगते हो, खाने पीने के लिए घर में ढंग से नहीं मिलता है क्या? श्री रामा ने कहा, जितना माखन होता है वो सब तो कंस के यहां चला जाता है, वो अपने पहलवानों को खिलाता है, कर दे देना पड़ता है, घर वाले खाने नहीं देते। भगवान ने कहा, अगर नहीं देते हैं खाने के लिए तो तुम एक काम करो, उसको चुरा करके खा लिया करो। उन लोगों ने कहा, महाराज चुरा करके? कहा हां। कहा अगर पकड़े गए तो? भगवान ने कहा कि एक मंत्र बता देता हूं आप लोगों को, इस मंत्र का अगर जप करके चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों से और पूरी दुनिया में अपने श्रोताओं से, देख रहे समस्त श्रोताओं से, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मंत्र का उपयोग आप लोग मत कीजिएगा कहीं, ताकि पता चले महाराज जी बोल गए थे। भगवान ने एक मंडल बना करके रखा, उस मंडल का नाम रखा बाल विद्या चौर प्रसार मंडल, और उसके प्रेसिडेंट हुए भगवान श्री कृष्ण बलिहारी। और उन्होंने कहा, कफल महात्मा ने चोरी सबसे पहले शुरू की थी, तो उन्हीं का नाम स्मरण करके चलो। यहां भारत में भगवान तो बहुत है, लेकिन एमपी में एक सांवरिया सेठ है महाराज। जय हो। दुनिया का चोर भी जाता है तो कहता है आधा तुम्हें दे देंगे, आधा हमारा काम हो जाना चाहिए। ये भी ठाकुर जी है महाराज, इनकी तो सब उपासना करते हैं, चाहे जो हो जैसे भी हो, लेकिन इतना कह दूं कि दुनिया के जितने चोर हैं वे सांवरिया सेठ के दरबार में उनसे जरूर प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऐसा हो जाए, और ऐसी घटनाएं हुई भी महाराज, इतिहास भी रहा है। तो ये ठाकुर जी ने कहा, उसको चोरी करके खाओ, जाओ चोरी करो, घर के निकाल करके खाओ, उसको खा लेने में कुछ नहीं जाता है, मर जाओगे क्या मिलेगा? अरे स्वस्थता ही तो धन है सबसे बड़ा, जाओ। और भगवान ने क्या किया, प्रत्येक घर से मक्खन निकाल करके बच्चों बानरों को खिलाना शुरू कर दिया। गोपियों का बड़ा नुकसान हुआ। एक दिन यमुना नलिन पर ये गोपियां आई और एक ने कहा, मेरे घर में सारा मटका टूटा पड़ा है, पता नहीं कौन मक्खन और घी सब खा गया, कुछ पता नहीं लगता है। एक ने कहा मेरे घर हुआ, एक ने कहा मेरे घर हुआ, ऐसे पता करते करते हुआ कि सबके घर में यही कांड हुआ है। सबने आकर के अपने बच्चों को डांटा, कहा ये कौन करता है? तो कहा ये नंद के दुलारे करते हैं, जहां सारा दिन आप लोग हाजिरी देती है। ये गोपियां सब गई झुंड में भगवान की शिकायत करने के लिए यशोदा रानी के पास, और कहती है मां, यशोदा ने कहा क्या है? तो कहती है, सुणवत्या किल तनुमातुर ओचू समागता। सुनो मां, कहा क्या? कहा आपका कुमार बड़ा चंचल है, आपका लड़का बड़ा नटखट है यशोदा रानी। तब तक भगवान निकल करके आए, यशोदा रानी के कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो गए, और उसकी दृष्टि जब भगवान पर पड़ी वो बेचारी चकरा गई।
कहा हमको नहीं कहना चाहिए था, इनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो यशोदा रानी से कह रही है कि आपका लाला बड़ा नटखट है। कहा क्यों? तो कहा मतसान मुंचन क्वचिद असमय क्रोध संजात हासा। मां, ये आपका लाला इतना नटखट है कि हमारे घर पर बछड़ा बना था और उसको खोल करके गायब हो गया आपका लाला। ये बताओ, यशोदा जी मुस्कुराई, कहा तुम पागल लग रही हो क्या? अरे अगर मेरे बेटे ने तुम्हारा बछड़ा खोल दिया तो तुम्हारा काम ही तो किया। तो कहा आप जानती हैं बछड़ा कब खोलते हैं? कहा कब? कहा गाय दूहने के एक घंटा पहले खोल करके गायब हो जाते हैं। वो गाय दूध भी नहीं देती। यशोदा से एक ने कहा कि आपके लाला ने मक्खन खा ली। यशोदा ने कहा शर्म करो, तुमको शर्म नहीं लगती है? 1,00,000 गाय मेरे यहां लगती है और एक ही लाला है, उसके खाने का मक्खन मेरे घर में नहीं, तुम्हारे यहां चोरी करने जाएगा? शर्म नहीं लगती तुमको? शिकायत करते, और अगर जरा सा खा ही लिया हो तो क्या बुरा हो गया? तो कहा मां आपका लाला खा जाए मुझे तकलीफ नहीं है। कहा फिर? तो कहती मरकान भोजन बिवजती सा। ये तो बांदरों को बांट देते हैं और बच्चों को बांट देते हैं। चलो ठीक है मां, ये बांदरों बच्चों को बांट करके भी खा ले, शिकायत नहीं है, लेकिन चेन्नाति भांडम भिन्नति, जितना बर्तन रखा रहता है ये सब तोड़ देते हैं माताजी, ये बहुत तकलीफ है। भगवान की शिकायत गोपियां कर रही है। यशोदा रानी ने उनसे कहा जाओ हटो, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक मेरे लाला को तुम पकड़ कर नहीं लाओगी। ब्रज में एक नई नई शादी हुई थी, वो ब्रजमामा थोड़ी पढ़ी लिखी थी, चालाक थी, उसने कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं पकड़ कर दिखाऊंगी गोविंद को। उसने क्या किया, छींके पर रख दिया मक्खन और उस पर बांध दिया एक घंटा कि रात बिरात अगर इसको छुएंगे तो घंटे में आवाज होगी, पकड़ कर यशोदा को दे दूंगी और बता दूंगी कि उनका लड़का चोर है। और संयोग देखिए कि भगवान उस दिन उसी के घर गए और जब घंटा बना देखा तो कहा हे नाद ब्रह्म, तुम्हें तब तक आवाज नहीं करनी है जब तक ये मक्खन न उतार लो। भगवान ने मक्खन उतार लिया, घंटा नहीं बजा, बानरों को बांट दिया, बच्चों को बांट दिया, लेकिन जब खाने खुद बैठे, जैसे मुंह में रखा वो घंटा घड़घड़ाया बरंदे से। भगवान ने कहा भाई मैंने मना किया था कि मत बजना, उसने कहा गोविंद माफ करना, अब और समय में घंटा बजे न बजे लेकिन आपका भोग लगने लगा महाराज तो हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो गोपी आई और गोविंद को पकड़ लिया और रस्सी में दोनों हाथ उनका लपेटा और इनसे लेकिन गांठ नहीं लगा पा रही थी। भगवान ने प्यार से कहा तुम्हें गांठ लगाना नहीं आता है? तो उसकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, जैसे आंख मिली उसने कहा नहीं आता है, तो कहा छोड़ो मैं बताऊं गांठ कैसे लगाई है। उसके दोनों हाथ को पकड़ करके जब गांठ भगवान लगाए तो उसने कहा आप छोड़ दो मैं गांठ लगा लूंगी। भगवान ने कहा यह तो मुश्किल है, मैंने जिसको बांधा मैं कहा छोड़ता हूं उसे। जय हो। उसको बांध दिया बेचारी, रात भर खंभे में बांधी रही। सुबह उसकी सासू उठी तो खोल करके खंभे से लाई, कहा अरे पगली, जिस कन्हैया ने पूरे सबको अपने में बांध रखा हो उसको तू बांधना चाहती है? और एक गोपी इतनी मस्त हो गई, भगवान के शिकायत करने गई थी लेकिन जब लौटी तो उसने अपने सखियों से कहा श्रुण सखि कौतुकमेकम नंदनिकेतांगनी मया दृष्टुम। अरे सखी, आज मैंने नंद के आंगन में कौतुक देखा। कहा क्या? तो कहा धूली धूसरी तांगु नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वो वेदांत के जो सिद्धांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है उनको मैंने यशोदा रानी के आंगन में नाचते हुए देखा है। और वो बिहारी जी का जब दर्शन करती है,
मस्ती से करती है और कहती है ठाकुर जी से। आइए हम लोग भी थोड़ा सा साहित्य भाषा में आनंद लेते हैं। भगवान कैसे हैं, गोपी कह रही है ये ठाकुर। तेरी अखिया है जादू भरी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी थी। Yeah, I don't know.
भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजरथ का पान कर लिया परीक्षित, और कुछ बच्चों ने आकर यशोदा रानी से शिकायत कर दी, माँ ये आपका लाला मिट्टी खाता है, मिट्टी। माँ आपके लाला ने मिट्टी खाई है। बस यशोदा जी उठी और गोविंद के कान को ऐठा, कहा तूने मिट्टी खाई है। जैसे भगवान के कान को यशोदा रानी ने पकड़ा महाराज, ऐश्वर्य शक्ति तिलमिला गई। अरे इतनी बड़ी धृष्टता, जिस ब्रह्म की सत्ता को वेद न समझ पाए, जिसकी हजारों ब्रह्मा और शंकर खड़े होकर स्तुति करते हैं, इस ग्वालिनी यशोदा की क्या औकात कि उनके कान को ऐठ दे। लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ऐश्वर्य से कहा, शांत रहो देवी, जब मौका आएगा तो यशोदा रानी को बता देना कि उन्होंने किसका कान ऐठा था, अभी चुप रहो। और सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन ये भक्ति की प्रवाह है, भगवान की भक्ति करके यशोदा रानी उनके कान तक ऐठ देती है, ये इतने दयालु है महाराज। इन्होंने जानते हो क्या किया है, पूतना को वही गति दी है जो गति यशोदा रानी को दी। इनको कोई जहर पिलाए और कोई दूध पिलाए। दास कल कह रहा था कि जो सारा दिन बैठ करके गाली देता है उसको भी रात को दाल रोटी खिलाते हैं, और चार घंटे माला लेकर के जो बैठ करके दिन भर पूजा करता है उसको भी दाल रोटी देते हैं। बताओ कितनी बड़ी दयालुता, इनकी कृपा के बारे में सोचना। माताओं बहनों भगवत भक्तों, हम एक दिन कभी एकादशी का व्रत रहे, महीने में दो बार, और ये क्या करते हैं, एक केले को बनाने में उस पर कवर लगाना, उसमें चीनी डालना, उसको पकाना, उसको रंगना, एक सेब को बनाने में, एक केले को बनाने में, एक मूंगफली के दाने को देखिए, उसको बनाना, उसको रंगना, उस पर कवर लगाना, उसको पकाना, ये बेचारे कहां बैठते हैं। ये इसीलिए उसको बनाते पकाते हैं कि अगर मेरे लिए कोई एक दिन व्रत रहे तो वो ये खाकर अपना पेट भर ले, उसको ये न कहना रहे उसका मैं ऋणी न रहूं। गंगा जी में, नर्मदा जी में, राप्ती जी में खड़े होकर के लोग गंगा जी के जल से गंगा की पूजा करते हैं, ये कोई पूजा है? हम पूजा करने लायक है इनकी? इनको जितनी चीज आपने चढ़ाया है ये सब पहले इन्होंने दिया है, तो हमने कोई एहसान किया एक फूल चढ़ा करके? अरे महाराज ये त्रिलोक के मालिक हैं। हां एक बात आपको जरूर समझा दूं, कल्पना कीजिए कि आप घर के मालिक हैं और सारा दिन आप काम करते हैं, और घर में शाम को आपके यहां बढ़िया घर वाले हलवा पूरी बना करके खाएं, और आपसे कोई ना पूछे, और आप मालिक भी हैं घर के, तो आपको एक दिन दो दिन देखेंगे, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा ठीक है खाना बताइए, क्योंकि उसको चिड़ पैदा हो जाएगी कि मैं मरता हूं व्यवस्था करता हूं और ये घर वाले मुझे पूछ नहीं सकते। यही संबंध है भक्त और भगवान का,
जब आपके घर में भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को समर्पित कर दो कि ठाकुर जी आओ। वो खाने नहीं आते हैं, लेकिन उनसे आप बता दोगे, पूछ लोगे तो कहते हैं ठीक है तुम पाओ। और जो बिना भोग लगाए खाता है महाराज, ये सब चोर है। बिना भगवान को अर्पण किए भोजन नहीं ठीक। भोजन इसलिए न करो, खाने के लिए पैदा हुए हो। अगर इसलिए अगर आपका जन्म है तो धरती पर रहना आपका बेकार है, आप धरती के बाहर हो। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। और जो भी जहां भी जिस परिस्थिति में ठाकुर जी उपलब्ध करा दें ठीक है, वो उनका प्रसाद मान करके ग्रहण करो, सब ठीक है। आइए विषय पर आते हैं। भगवान ने ऐश्वर्य से कहा, भगवान से पूछा तूने मिट्टी खाई है, तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच। भगवान क्या बोले, भागवत का श्लोक देखना। भगवान कहते हैं मां ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरिस्तरि समक्षम पश्चिमी मुखम। भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और हे मां अगर आपको न विश्वास हो तो मेरा मुंह देख लीजिए। यशोदा रानी ने कहा खोलो मुंह अपना। जब भगवान ने अपना मुंह खोला यशोदा को दिखाने के लिए, बस ऐश्वर्य को मौका मिल गया। भगवान के मुंह में यशोदा रानी ने क्या देखा, सातों द्वीप दिखाई पड़े, बड़े बड़े वन पहाड़ पर्वत नदियां ग्रह तारा नक्षत्र गंगा जमुना सरस्वती यास्किनी चिनाब वितस्ता झेलम राबी परशुनी सतलज हिमाद्री अलकनंदा राप्ती ताप्ती गोमती, ये सारी नदियां दिखाई पड़ रही हैं। क्षीर सागर, इच्छु सागर, प्रशांत महासागर, सारे समुद्र दिखाई पड़ रहे हैं। उसी में उनको वृंदावन दिखाई पड़ा, गोकुल दिखाई पड़ा, खुद दिखाई पड़ी, भगवान कृष्ण भी दिखाई पड़े। यशोदा रानी विक्षिप्त हो गई। भगवान ने ऐश्वर्य से कहा खींच लो। ऐश्वर्य ने जब खींचा तो यशोदा रानी उठकर बैठी, लेकिन उनको कुछ होश नहीं है, वो सब भूल गई कि मैं कर क्या रही। आज कुछ दिन व्यतीत हो गए। यशोदा रानी ने सोचा कि आज एक काम मैं खुद करती हूं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन यशोदा रानी ने घर के सारे दासियों को काम बता दिया और दही मथने के लिए खुद बैठ गई। ध्यान देना शब्दों पर, यशोदा रानी दही मथ रही है और गा रही है। क्या गा रही है, भागवत जी का स्तुति देखना। यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी चा दधी निर्मंथने काले अस्मरंतिम तान्य गायत। यशोदा रानी गा रही है, गुनगुना रही है। भोजन जब भी बनाने के लिए बैठो माताओं बहने, भगवान नाम स्मरण करके भोजन बनाया करो। जब उसको लोग खाएंगे तो उनकी बुद्धि कभी विकृत नहीं होगी। भगवत स्मरण करके यशोदा रानी दही मथ रही है, गुनगुना रही है। इतने में क्या हुआ, चार बजे का समय है, प्रातः वेला में भगवान उठे और यशोदा रानी के कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो गए। कहा मां मुझे भूख लगी है। यशोदा ने कहा कन्हैया चल लेट जा, अभी भोजन, अभी जब मक्खन तो निकाल लूं तब दूध पिलाती हूं। भगवान आई चुपचाप लेट गई। भगवान फिर चिल्लाई, कहा मां
वो देखो आपने जो दूध रखा है गर्म होने के लिए, सब बहा जा रहा है, सब गिरा जा रहा है नीचे। अब यशोदा मक्खन छोड़ करके दूध के पास गई, और जब दूध उबाल मारता है तो माताएं बहनें जानते हो क्या करती है, पानी उस पर डालने लगती। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, जिंदगी में अगर किसी से मित्रता करने की नौबत आए तो मित्रता उस व्यक्ति से मत रखिए जो सेल्फी हो। मित्रता उस व्यक्ति से ठीक नहीं है। मित्रता अगर करना है तो दूध और पानी की तरह करना। दूध और पानी की दोस्ती देखती है, अगर एक लीटर दूध में 150 ग्राम पानी डाल दिया गया तो वो पानी तुरंत दूध के ही रेट में बिक जाता है, वो भी 60 रुपए लीटर। देखा है आपने? और दूध और पानी को जब आप इकट्ठा करके रखें आग पर, तो पानी कहता है मित्र मैं जलूंगा, तुम्हें जलने नहीं दूंगा। पानी जलता है दूध के साथ और दूध को बचाता है, और दूध जब ये देखता है कि मेरा मित्र मेरे लिए आग पर जला जा रहा है तो वो उफान इसलिए मारता है कि अगर ये आग बुझ जाए तो मेरा मित्र भी बच जाए। और उसी दूध में अगर आपने कहीं एक बूंद नींबू डाल दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी फट करके दोनों अलग हो जाएगा। इस संसार में बड़े से बड़े संबंधों को शंका खत्म कर देती है। शंका नहीं होना चाहिए, और मित्रता में शंका है तो चलेगा नहीं, फिर वो टिकना नहीं हो सकता। दास ने आपसे कहा था कि जल से प्रेम मेढक भी करता है, जल से प्रेम खचुआ भी करता है, जल में सांप भी रहता है और जल में मछली भी रहती है, लेकिन मछली का ही प्यार जल से सच्चा प्यार है। ये बाकी तो सब जिंदा टहलते हैं बिना पानी के भी, लेकिन मछली मर जाएगी, वो नहीं बचेगी। और इस धरती पर तो सच्चा प्यार है ही नहीं, यहां तो सिर्फ बकवास है। जो कहता है वो कभी करता नहीं है, और जो वास्तव में प्यार करता है वो कभी कहता ही नहीं है। ये भी किसकी मुख परिभाषा है। आइए, यशोदा रानी लौट करके नहीं आई बहुत देर तक, और भगवान ने क्या किया, उठाया लोढ़ा। लोढ़ा जानते हैं, लोढ़े की जरूरत पहले सिलबट्टे की पड़ती थी ना, अब तो खैर सब समस्या खत्म है, सारी व्यवस्था सब हो गई है। भगवान ने उठाया वो पत्थर का लोढ़ा और यशोदा के सारे बर्तन पूछ डाले, और मक्खन और सब बांट दिया बाथरूम बच्चों को बांटने। यशोदा रानी जब आई उन्होंने देखा तो कहा कन्हैया तू वास्तव में बड़ा नटखट है, तुम्हारी शिकायत नाजायज लेकर नहीं आती थी। और यशोदा रानी ने उठाई छड़ी और भगवान भगे। ध्यान देना परीक्षित, ये देखो भक्ति का प्रभाव, जिसके डर से काल और मौत डरती हो वो यशोदा के डर के मारे भागा। भगवान भगे, यशोदा रानी पीछे से। भगवान ने देखा कि मां के बाल बिखर गए हैं, उनके माथे पर पसीना आ गया है, उनका कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, तो चिल्लाई कहा रुक जाओ कन्हैया। भगवान ने कहा मां रुक जाऊंगा लेकिन एक शर्त है, ये डंडा पहले फेंक दीजिए जो आपके हाथ में चढ़ी है। यशोदा रानी ने जब उस छड़ी को फेंक दिया, छड़ी फेंक दिया और भगवान को पकड़ा, तो एक गोपी से कहा इनको बांधो, बांध चलो इनको बांध, बांध इनको बांध दो। वो बेचारी रस्सी लेकर के आई बांधने के लिए, लेकिन जब बांधने लगी तो रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ गई। कहा दूसरी रस्सी लाओ, तीसरी रस्सी लाओ, वो रस्सियां लाती रही लेकिन दो अंगुल हमेशा छोटी पड़ जाती थी। ये रस्सी दो अंगुल जानते हो परीक्षित क्यों छोटी पड़ी? वो ये कहती है मां बांधा उसे जाता है जो अपराधी हो, बांधा उसे जाता है जिसने गलती की हो, और आपका लड़का ना अपराधी ही है और ना गलत है, वो दो अंगुल छोटी होकर यही बता रही है। जै, जै। और भगवान को बंधन में नहीं लाया जा सकता है, भगवान बंधन में नहीं आते हैं, और बंधन में अगर ये आते हैं तो बंधन और चंदन से आते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है। जीव करे परिश्रम और भगवान करे कृपा, भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक वस्तु को एक अंधा आदमी नहीं देख सकता है
तो चाहे आप 1000 अंधा इकट्ठा कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर एक अंधा नहीं देख सकता तो 1000 अंधे मिलकर के भी क्या कर सकते हैं? जिस भगवान को एक रस्सी नहीं बांध पाई, उसको दुनिया की पूरी रस्सी लपेट दी जाए तो भी छोटी पड़ जाएगी। यशोदा रानी ने अपने साड़ी से निकाला पल्लू, कहा इसमें से फाड़ दो थोड़ा सा, तो भगवान बंध गए। यशोदा रानी गोविंद को बांध देती है और घर में लाकर बांधा उखल में परीक्षित जी। उस उखल को भगवान ने यमला अर्जुन वृक्ष में टकरा दिया और वह वृक्ष चरचरा करके गिर गए। उसमें दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान की वंदना करके चली गई। ये दोनों नल कुबेर मरिग्रीव थे महाराज, ये कुबेर के पुत्र थे। नारद जी के श्राप के कारण ये जड़ हो गए थे, लेकिन आज भगवत स्पर्श के कारण इनका मंगलमय कल्याण हो गया। जब यशोदा रानी ने देखा पेड़ गिरा, आज मां थोड़ा दबाव में आ गई, कहा ये लाला जब से पैदा हुआ है 6 दिन में पूतना त्रिणावर्त सकटासुर ये पेड़ गिरा, हम गोकुल में रहेंगे ही नहीं, गोकुल में रहने लायक नहीं है। मन में भावना आई और गोकुल को छोड़ करके सारे लोग गोकुल से आ करके वृंदावन में बसे। भगवान यहां बड़ी विचित्र लीलाएं करेंगे। अब वृंदावन से, वृंदावन में सारे लोग नंद गोप गोपी ग्वाल सब लोग हैं, यहां भगवान की माधुर लीला का हम आनंद ले और वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी का स्मरण करते हुए यहां भगवान क्या करते हैं परीक्षित? बोली भक्तवत्सल भगवान की। जमुना जी का जल बड़ा मीठा है, यमुना नलिन बन और वृंदावन बड़ा अच्छा लग रहा है। वृंदावन की उस तलहटी के पास ब्रज बामाएं और वहां की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा रानी की कृपा। आइए, कवियों ने अच्छी प्रेक्षाएं दी है कि मीठा मीठा वृंदावन का जल है, राधा रानी कैसी लग रही हैं, वृंदावन कैसी लग रहा है, वहां का जल कैसे है। थोड़ा सा सब लोग तालियां लगाते हुए संकीर्तन करते हुए गान करते हुए आनंद लेते हैं।
Money.
इस पवित्र वृंदावन में मैं कुछ संक्षिप्त भाव में बोलना चाहता हूं। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं किए परीक्षित जी। ब्रह्मा जी महाराज ग्वाल बालों को उठा ले गए, गायों को उठा ले गए, ब्रह्मा के मान का खंडन भगवान ने किया, अंत में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। और यही तमामों प्रकार के राक्षस, अघासुर बकासुर इत्यादि, इनका कल्याण भगवान ने किया। यमुना जी का जल काली की वजह से बहुत दूषित था, काली नाग पर कृपा करके भगवान ने यमुना जी के जल को स्वच्छ कराया। हर साल सब लोग इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने नंद बाबा से कहा कि अब की गिरिराज की पूजा कराओ। भगवान के प्रेरणा से सारे गोकुल के लोग गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना करके लेकर के गई। हजारों घड़ा पानी डाला। भगवान ने कहा पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब बेचारे पानी भर भर करके जमुना से थक गए सब लोग। हर वर्ष पूजा करते थे इंद्र की, जा करके थोड़ा सा भोग वोग लगा दिए, उसके बाद लौटा करके लाते थे, घर में बैठकर खाते थे। अब की बार जब हजारों घड़ा पानी भरना पड़ा और परेशान हो गए महाराज। सुखदेव स्वामी कहते राजन, वो परात्पर ब्रह्म गिरिराज के अंदर भी रहकर और एक रूप से बाहर भी लोगों के साथ रहकर के भगवान ने खुद अपनी पूजा कराई। इंद्र को पता चला कि अब की बार इन लोगों ने पूजा नहीं किया है, तो कहा जाओ इतनी मूसलाधार बारिश करो कि पूरा गोकुल बरसाना, वृंदावन किसी का पता न रहेगा। इतनी मूसलाधार बारिश, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उठा करके और बचा लिया गोकुलवासियों को। इंद्र ने कहा जाओ देखो वहां ज्यादा अगर पानी हो गया हो तो बंद कर दो बारिश। तो इंद्र ने जाकर, इंद्र से जाकर के लोगों ने बताया, कहा महाराज वहां बारिश नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है, ये क्या है? ये इनकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा, कहीं धूप है कहीं छाया है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है इस संसार में। परीक्षित जी ने कहा महाराज वो पानी कहां चला गया? तो इस पर मैंने संतों से सुना है कि एक बार श्री सीता जी ने राम जी से कहा अयोध्या में कि ठाकुर जी हमें ब्राह्मण खिलाना है तो किसी ब्राह्मण को बुला दीजिए। भगवान ने अगस्त महात्मा का न्योता दे दिया। अगस्त महात्मा आए, सीता जी भोजन ढंग से बनाई और जब पड़ोस करके लाई अगस्त महात्मा के आगे, तो अगस्त जी हंसने लगे। सीता जी ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? कहा ये जितनी कटोरी रखी है इसमें, इसको कान में डाल लूं कि आंख में, क्या करूं बताओ, इतने में हमारा कुछ नहीं होगा। सीता जी भोजन परोसती गई। अगस्त जी महाराज वो जब तक सब्जी लेकर आए तब तक यहां पूरी न रहे, पूरी लाए तो सब्जी नहीं, सब इकट्ठा नहीं हो पाया। सीता जी थक गई, कहा महाराज आप उसी रसोई में चलिए। वहां भी गए अगस्त जी, सब कुछ खा गए, कुछ नहीं बचा। सीता जी से कहा और कुछ है? सीता जी जब परेशान हो गई तो उन्होंने रिद्धि अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम ईसित वसित, ये 8 सिद्धियों के नाम है, इनको बुलाया, गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, सब आए महाराज, सब बना करके खिलाए। 7 अनवरत अगस्त जी बंद नहीं किए। जब किसी तरह से अगस्त जी ने देखा कि सीता जी ज्यादा परेशान है,
रिद्धि सिद्धि परेशान हो गई, भगवान गणपति परेशान हो गए, तो अगस्त जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब काम चल सकता है। मतलब यह नहीं कहा कि मैं तृप्त हूं। सीता जी से कहा पानी, सीता जी ने कहा महाराज मैं इतना पानी भर नहीं पाऊंगी, इस अनुसार से मेरे बस की बात नहीं है। यही अगस्त महात्मा भोजन किए बैठे थे परीक्षित, ये जितना पानी गिरा गिरिराज पर इसको सब अगस्त महात्मा पी गई, इसीलिए तो वहां धुन उड़ रही थी। फिलहाल भगवान गिरिराज बन करके अपनी पूजा करवाए। अब मैं चलता हूं भागवत के विशेष कथा की तरफ। भागवत में हमारे दशम स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है और इसमें अध्याय 29 से 33 तक की जो कथा 5 अध्याय में लिखी है इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। यह भागवत का प्राण है। अब जो समय हम लोगों के पास है हम लोग उसी बिताएंगे। आइए एक झलक वृंदावन पर। वृंदावन में जब से गोविंद आए बहार आ गई है, बहार महारानी सरजू जी का प्रवाह, पक्षियों का कलरव और हरी भरी लताओं से आच्छादित फल फूलों से भरा हुआ वृंदावन। और सखियां आपस में बात करती है जमुना जी किनारे, जानते हो क्या कहती है सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान्न परतान्य समस्त सत्वम। ए सखी ये वृंदावन की धरती धन्य हो गई। जब से भगवान यहां आए हैं तब से ये मन हमारा मयूर की तरह नाच रहा है। गोविंद बेणु मन उन्मत्त मयूर नृत्यम। ए सखी, और इस वृंदावन में जब भगवान अपने पवित्र वंशी का वादन करते हैं आकर्ण बेणु रणितम सा कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। सखी जब भगवान अपने पवित्र वंशी का वादन करते हैं आकर्ण बेणु रणितम, इस संसार में कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके कान नहीं होता है, जैसे सांप, सांप के कान नहीं होता है, वो आंख से देखता भी है और आंख से ही सुनता भी है। सखी ये बंसी का जब ये वादन करते हैं तो जिनके कान नहीं है वे भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधु विरचिताम प्रणयावलोकई। ए सखी अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा। एक बात सुन लो भाई, इस संसार में आंख रखने का लाभ क्या है? आंख रखने का फल है भगवान का दर्शन, आंख रखने का लाभ है संत विद्वान का दर्शन, और नहीं तो गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि जिसने आंखों से संतों को नहीं देखा भगवान को नहीं देखा। गोस्वामी जी के शब्दों में देखना जरा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा।
संत दरस नहीं देखा दरस नहीं देखा दरस मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल